काफी सारे हमारे मरीज और फॉलोअर्स की ये रिक्वेस्ट थी कि आप लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन सर्जरी यानी कि गर्ड एसिड रिफ्लक्स और हायटस हर्निया की सर्जरी के बाद ये डाइट पे एक वीडियो बनाएं। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन सर्जरी के बाद में एक आम इंसान की तरह आप नॉर्मल हेल्दी खाना बाकी की पूरी जिंदगी के लिए खा सकते हैं। नॉर्मल हेल्दी खाना यानी कि वो खाना जो आपके ओवरऑल स्वास्थ्य को बनाए रखता है, वो खाना जो आप बचपन से खाते आए हैं, वो खाना जो आपके पुरखे पुष्टों से खाते आए हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमारी ये एडवाइस रहती है कि अनहेल्दी खुराक आप हो सके उतना रिस्ट्रिक्टेड रखें, यानी कि तला हुआ खुराक, ऐसा खाना जो कि ज्यादा तेल युक्त या चर्बी युक्त है, बहुत ज्यादा मसालेदार है, ऐसा खाना जो प्रिजर्वेटिव वाला है, ज्यादा प्रोसेस किया हुआ खाना है, वो सारे खुराक को आप हो सके तब तक रिस्ट्रिक्टेड रखें। ये खान पान की सलाह ना सिर्फ एसिड रिफ्लक्स को लंबे समय के लिए कंट्रोल करने के लिए है, पर ये आपके ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, आपकी पेट की और कोई गड़बड़ी खड़ी ना हो उसके लिए और आपके ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए भी यही सलाह। लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन सर्जरी के बाद में आप चाय या कॉफी सही मात्रा में ले सकते हैं। हालांकि हमारी ये स्ट्रिक्ट एडवाइस है कि आप गैस युक्त प्रवाही यानी कि एरेटेड ड्रिंक्स और फिजी ड्रिंक्स, अल्कोहल और स्मोकिंग को स्ट्रिक्टली बंद करें। गर्ड और एसिड रिफ्लक्स के काफी सारे मरीज जिनका गर्ड काफी सीवियर होता है, वो नॉर्मल घर का खाना भी सही तरीके से नहीं खा पाते हैं क्योंकि वो खाने से भी उनकी तकलीफें काफी हद तक बढ़ जाती हैं। हमारे लिए काफी आम है कि मरीज हमारे पास आते हैं जिनको 10 से 15 किलो का वेट लॉस हुआ होता है क्योंकि उनकी एसिड रिफ्लक्स की समस्याएं काफी ज्यादा होती है। यहां तक कि कुछ मरीजों में हमने 30 से 35 किलो तक के भी वजन में कमी देखी हुई है। और वजन की कमी तो सिर्फ एक मार्कर है, दरअसल ये सारे मरीजों में काफी हद तक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, यानी कि पोषण की कमियां होती है जो कि उनकी इम्यूनिटी और ओवरऑल स्वास्थ्य को खराब करते हैं। लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन सर्जरी के बाद नॉर्मल हेल्दी फूड ऑप्शंस में किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि खट्टे फल जो कि विटामिन्स का एक अच्छा स्रोत होते हैं और नॉर्मल हेल्दी खाने का एक अहम हिस्सा होते हैं, काफी सारी सब्जियां जो आमतौर पर एसिड रिफ्लक्स में कम खाने की सलाह दी जाती है, जैसे कि टमाटर है, लहसुन है, प्याज है, जो कि एक अच्छा प्रीबायोटिक स्रोत है, दूध और उसमें से बनने वाले खाद्य पदार्थ जो कि कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, और खाने के पदार्थ जैसे कि दही, छाछ और कुछ अचार जो प्रोबायोटिक का एक अच्छा स्रोत है। और ये सारे खाने के पदार्थ जो कि एक नॉर्मल हेल्दी खुराक का हिस्सा है, वो सब आप लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन ऑपरेशन के बाद में ले सकते हैं, ये चिंता किए बिना कि ऐसे रिफ्लक्स फिर से होगा। यहां तक कि काफी सारे मरीजों में ऑपरेशन का डिसीजन इसीलिए लिया जाता है क्योंकि हम चाहते हैं कि मरीज को हम नॉर्मल हेल्दी खुराक पे वापस ले पाए। और ज्यादातर मरीजों में ऑपरेशन के बाद हम मरीजों को एक नॉर्मल खान पान पर वापस ले आ पाते हैं, जिससे कि उनका कम हुआ वजन धीरे धीरे करके हम नॉर्मल पे ला पाए और ऐसा करते हुए उनकी इम्यूनिटी और ओवरऑल स्वास्थ्य को सुधार पाए। तो चलिए आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में चर्चा करते हैं कि लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन सर्जरी के बाद में खान पान कैसे धीरे धीरे नॉर्मल पे आता है, क्या चीजें हैं जो आपको हमेशा के लिए अवॉइड करनी चाहिए, कुछ है जो आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, कुछ है जो आपको कम मात्रा में लेना चाहिए, और क्या क्या चीजें हैं जो आप ऐसे रिफ्लक्स फिर से होगा ऐसी चिंता रखे बिना नॉर्मल तरीके से पूरी जिंदगी खा सकते हैं।
लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन सर्जरी के बाद डाइट की मुख्य चिंता या समस्या होती है खुराक निगलने में अटकन होना। फंडोप्लाइकेशन सर्जरी के बाद ज्यादातर मरीजों में कुछ हद तक खाने में अटकन महसूस होना या तकलीफ होना ये पाया जाता है, पर इसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, समय के साथ पूरी तरह से सुधर जाता है और शुरुआती दिनों में जब ये होता है तब भी मरीज के लिए उतना ज्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं होता है। खाने में निगलने में कितना अटकन होगा वो कुछ चीजों पर निर्भर रहता है, जैसे कि आपकी अन्नलिका मोटिलिटी यानी कि अन्नलिका खुराक को नीचे उतारने का काम कितना सही से हो रहा है, जो कि हम ऑपरेशन से पहले ही इसोफेजियल मैनोमेट्री की जांच करके जान लेते हैं। दूसरा है कि हमने पूरा वाल बनाया है यानी कि निसन और 360 डिग्री वाल बनाया है या पार्शियल वाल जिसको टूपे या 270 डिग्री वाल बोलते हैं वो किया है। खाने में अटकन उस चीज पर भी निर्भर रहता है कि मरीज कितने तनाव में है, खाने के वक्त वो रिलैक्स होके आराम से खुराक ले रहे हैं या तनावपूर्ण स्थिति में खाना निगल रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में हम सारे मरीजों को ऑपरेशन के दिन से ही नरम खुराक शुरू करवाते हैं। ऑपरेशन की 3 या 4 घंटे के बाद मरीज को लिक्विड्स पहले दिए जाते हैं और अगर वो लिक्विड कंफर्टेबली ले पाते हैं तो हम नरम खुराक उसके बाद में शुरू करते हैं। ये स्टेज पे हमारी मरीजों को ये सलाह रहती है कि आप खाना अच्छे से चबा के रिलैक्स होके आराम से निगलें, और ज्यादातर हमारे मरीज नरम खुराक ऑपरेशन के दिन ही काफी कंफर्टेबली ले पाते हैं। हाँ, मरीज को ये जरूर लगता है कि खुराक थोड़ा धीरे धीरे नीचे उतर रहा है या जो वाल की जगह है वहां पे खुराक कुछ सेकंड के लिए रुक के आगे जा रहा है या वहां से पसार होते हुए मरीज को हल्का सा तकलीफ महसूस होती है या कुछ निवालों में मरीज को एक घूंट पानी लेके खुराक को निगलने की जरूरत पड़ती है। मेरे हिसाब से ये सारी चीजें मरीज को उतनी ज्यादा तकलीफ नहीं देती है और शुरुआती दिनों में मरीज के डाइट को सिर्फ लिक्विड तक सीमित रखने की मुझे कोई जरूरत नहीं लगती है। फंडोप्लाइकेशन सर्जरी के बाद नरम खुराक शुरू करवाने में कोई डर या झिझक नहीं होनी चाहिए। नरम खुराक जल्दी शुरू करवाने से जो अन्नली और जठर में बदलाव हुए होते हैं उससे मरीज काफी जल्दी एडजस्ट हो जाता है और ज्यादा जल्दी से नॉर्मल खुराक पे पहुंच पाता है। इससे ये भी फायदा मिलता है कि हमें पहले ही दिन ये चीज की पुष्टि हो जाती है कि जो हमने वाल्व बनाया है वो ज्यादा टाइट नहीं है। रेयर सिचुएशन में अगर ऐसा होता है तो उसको आपके डिस्चार्ज होने से पहले ही सही किया जा सकता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म डिस्फेजिया यानी कि लंबे समय तक खाना निगलने में जो दिक्कत होती है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। शुरुआती दिनों में जो अटकन महसूस होती है वो धीरे धीरे सुधरने लगती है। मरीज जब हमारे क्लिनिक पे फॉलोअप में आता है दूसरे या तीसरे दिन, जब हम ड्रेसिंग करते हैं, घाव चेक करते हैं, उसी दिन हम ये एसेस करते हैं कि मरीज को नरम खुराक लेने में कितना कंफर्टेबल फील होता है और उसके हिसाब से आगे का खाना बढ़ाया जाता है। जो मरीज नरम खुराक शुरुआत के 2-3 दिन में काफी आराम से ले पाते हैं उनको हम 2-3 दिन के बाद में ही रोटी या ब्रेड खाने का शुरू करवा पाते हैं। ये डाइट प्रोग्रेशन दोनों ही ऑपरेशन के लिए समान है, चाहे हमने निसन फंडोप्लाइकेशन यानी कि पूरा वाल्व बनाया हो या टूपे फंडोप्लाइकेशन जिसमें हमने आधा या 270 डिग्री वाल्व बनाया हो। हमारे प्रैक्टिस में 50% से ज्यादा मरीजों में हम 2 या 3 दिन के अंदर ही ये नरम खुराक से रोटी का प्रोग्रेशन करवा पाते हैं और बाकी के मरीजों में ये बढ़त करीबन 7 से 10 दिन में हो पाती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं ये अटकन और कम होती जाती है और कितने निवालों में आपको अटकन महसूस होती है वो कम होते होते करीबन 6 से 8 हफ्तों में मरीज बिल्कुल नॉर्मल की तरह खा पाते हैं।
हमारी प्रैक्टिस में हम ज्यादातर मरीजों में निसेन फंडोप्लिकेशन करते हैं। कुछ ही चुनिंदे मरीजों में जिनकी अन्ननली का काम बहुत ही ज्यादा वीक हो, बहुत ज्यादा उम्र वाले मरीज हो, या कुछ मरीज जिनकी खुद की इच्छा हो कि हमें निसेन यानी कि पूरा वाल्व नहीं करवाना है, उन्हीं को हम टूपे फंडोप्लिकेशन करते हैं। और ज्यादातर मरीजों में निसेन फंडोप्लिकेशन के साथ में भी हमारे मरीजों में खाना निकलने की दिक्कत हम नहीं देखते। लैप्रोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन सर्जरी के बाद में आप एक आम इंसान की तरह सारा नॉर्मल हेल्दी खुराक ले पाएंगे, पर हमारी ये एडवाइस रहती है कि आपको अनहेल्दी खुराक हो सके तब तक रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहिए, यानी कि तला हुआ खुराक, ज्यादा ऑयली और मसालेदार खाना, सारे ऐसे खाने जो कि ज्यादा ऑयल, बटर और घी में बने हुए हैं, उनको आपको काफी हद तक रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहिए। इस प्रकार के खाने आपको कम बार खाने चाहिए और जब भी खाते हैं तब भी नॉर्मल मात्रा से कम मात्रा में खाने चाहिए, जिससे कि आपके डाइजेशन की या पेट रिलेटेड गड़बड़ी ना बढ़े। सारे प्रोसेस्ड और पैक किए हुए खाने को भी आपको हो सके तब तक रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहिए। ये खाने की एडवाइस ना सिर्फ एसिड रिफ्लक्स के प्रॉब्लम को कंट्रोल में रखने के लिए है, पर काफी सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती है जो कि आंतों के रिलेटेड होती है, जठर के रिलेटेड होती है, उसको भी लॉन्ग टर्म के लिए कंट्रोल में रखने के लिए ये डाइट एडवाइस जरूरी है। हमारी ये भी एडवाइस है कि आप सारे एरेटेड और फिजी ड्रिंक्स यानी कि गैस युक्त लिक्विड्स होते हैं उनको आप टोटली अवॉइड करें। इस प्रकार के लिक्विड्स पीने के बाद ये संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको पेट में ब्लोटेड यानी कि भारीपन महसूस हो, बेचैनी महसूस हो, और दूसरा है कि इस प्रकार के लिक्विड्स के बाद में गैस की वजह से हमने जो वाल्व बनाया है वहां पे काफी प्रेशर आता है और हम बिल्कुल चाहते हैं कि ऑपरेशन के बाद में, इस ऑपरेशन के लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए हम इस चीज को अवॉइड करें। अल्कोहल और स्मोकिंग के बारे में भी हम बहुत ही स्ट्रिक्टली उसको अवॉइड करने की सलाह देते हैं। लैप्रोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन सर्जरी के बाद में सही मात्रा में आप चाय और कॉफी बाकी की पूरी जिंदगी के लिए ले सकते हैं। दिन में एक या दो बार एक छोटे कप चाय या कॉफी आप बिना झिझक के ले सकते हैं। हम ये जरूर सलाह देंगे कि आप इससे ज्यादा मात्रा में चाय या कॉफी न ले। मेरी ये भी सलाह है कि कॉफी के मुकाबले में चाय एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। चाय या कॉफी ना सिर्फ अन्नली और जठर को प्रभावित करते हैं पर बड़ी और छोटी आंत को भी प्रभावित करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिनको चाय और कॉफी लेने के बाद में पेट में गड़बड़ी महसूस होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में अपसेट महसूस होता है। ऐसे सारे लोगों को यह समझना चाहिए कि हो सकता है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम चाय या कॉफी को उतना अच्छे से टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, और ऐसे मरीजों में उनको चाय या कॉफी लेना या नहीं लेना, कितनी मात्रा में लेना, वो उनको उनके पेट में जो महसूस होता है उसके हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। लैप्रोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन सर्जरी के बाद में बाकी की पूरी जिंदगी के लिए डाइट की हमारी एडवाइस है कि आप एक नॉर्मल हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट वो है जो ना सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थ में रखता है पर बॉडी के बाकी के सिस्टम यानी कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को सही रखता है। और यही एडवाइस हमारी सारे गर्ड और एसिड रिफ्लक्स के मरीजों के लिए होती है, चाहे उनका इलाज दवाइयों से हो या ऑपरेशन से। जिन मरीजों में हम उनको एक नॉर्मल हेल्दी डाइट पे नहीं ला पाते हैं, तब हम ये मानते हैं कि उनके ट्रीटमेंट में कुछ बदलाव की जरूरत है, ट्रीटमेंट में ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, जिससे कि हम ये गोल अचीव कर पाए। और ज्यादातर मरीजों में सही ट्रीटमेंट के साथ में हम मरीजों को एक नॉर्मल हेल्दी डाइट पे वापस ला पाते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनमें मरीजों को कुछ डाइट ऑप्शंस यानी कि कुछ प्रकार के खाद्य पदार्थ को वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। उसका कारण उनका जेनेटिक मेकअप या हेरिडिटरी हो सकता है। कुछ मरीजों में पहले की कुछ बड़ी बीमारियां और उसके इलाज की वजह से उनके गट बैक्टीरिया और गट माइक्रोबायोम में होने वाले बदलाव हो सकते हैं।
या कुछ मरीजों में पेट की, आंतों की या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल बड़ी सर्जरी हुई होती है जिससे कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में बड़ा बदलाव हुआ होता है, उनमें ये हो सकता है। ये सारे मरीजों में भी हम उनको ज्यादातर नॉर्मल हेल्दी डाइट पे वापस ले आ पाते हैं। हो सकता है कि कुछ चुनिंदा डाइट ऑप्शन या चुनिंदा खाद्य पदार्थ वो नॉट टॉलरेट कर पाए और उनको हमें अवॉइड करना पड़े। तो लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन सर्जरी के बाद में खट्टे फल जो कि काफी हेल्दी होते हैं, सारे वेजिटेबल्स, सारे वेजिटेरियन डाइट, यहां तक कि टमाटर, लहसुन और प्याज, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, दही, छाछ और सही मात्रा में लिए जाने वाले अचार जो कि प्रोबायोटिक के स्रोत होते हैं, ये सारी चीज आप बाकी की पूरी जिंदगी के लिए सही तरीके से और सही मात्रा में ले पाएंगे। यहां तक कि नॉनवेज फूड आइटम्स जैसे कि चिकन और फिश, शुरुआती दिनों के खाने के अटकन की समस्या एक बार सुधरती है उसके बाद में आप ले सकते हैं और सही मात्रा में और सही तरीके से बाकी की पूरी जिंदगी के लिए खा सकते हैं। यहाँ पे मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि नॉन वेजिटेरियन फूड में आपको ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि वो फ्राइड ना हो, बहुत ज्यादा घी, तेल, बटर और मसालेदार ना हो जिससे कि दूसरी डाइजेस्टिव समस्याएं खड़ी ना हो। ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि आप जो बचपन से खाते आए हैं और आपके पुश्ते सालों से खाती आई है वो सारा खाना आप बाकी की जिंदगी के लिए खा सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि आप सही तरीके से खाएं और जो भी खाते हैं वो एक सही मात्रा में खाएं जिससे कि अननेसेसरी गड़बड़ी पैदा ना हो। लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन सर्जरी के बाद में स्मूथ और फास्ट रिकवरी के लिए हमारी ये सलाह है कि सबको एक शांत मन से अच्छे से चबा के आराम से खाना खाना चाहिए। जब भूख लगे तभी खाना चाहिए और एक बार ऐसा महसूस होता है कि पेट भर गया है तो रुक जाना चाहिए। यही चीज प्रवाही पे भी लागू होती है, यानी कि जब आप पानी पीते हैं या कुछ और लिक्विड लेते हैं तब भी आपको आराम से पीना चाहिए और हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। जब भी हम हड़बड़ी में खाते हैं या पीते हैं तब कई बार हम आधा चबाया हुआ खुराक निगलते हैं, हमारे गले और अन्नली के जो स्नायु होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल सही नहीं रहता है और काफी बार ऐसा होता है कि हम ओवर ईट करते हैं, पेट भर जाने के बाद ज्यादा खा लेते हैं। जब ऐसा सब होता है तो आपके अन्नली, जठर और बाकी का डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम करते हुए भी आपको अन्नली और जठर के रिलेटेड कुछ तकलीफें महसूस होती है। इसीलिए फंडोप्लाइकेशन सर्जरी के सारे मरीजों में हमारी ये सलाह है कि हमेशा के लिए उनको अच्छे से चबाते हुए शांति से अच्छे से आराम से खाना चाहिए, पीना चाहिए, जब भूख लगे तब खाना चाहिए और जैसे ही पेट भरता है तो रुक जाना चाहिए। यही खाने पीने की सलाह दरअसल सभी में लागू होती है, किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो या नहीं, किसी ने लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन सर्जरी करवाया हो या नहीं।